तो दोस्तों इस वीडियो में कंफ्यूजन काफी है क्योंकि स्पेसिफिकेशंस दोनों ही डिवाइसेस के एग्जैक्ट सेम है। इसी के साथ अगर फीचर्स की बात करें तो वो भी लगभग सेम ही है, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो फास्ट मोशन, इसके अलावा स्लो मोशन, नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड, ये आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो CMF 1.1 से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर और फुल HD तक का वीडियो 60 FPS पर, जबकि OnePlus Nord C4 Lite में आपको 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऑटो मोड पर अगर इन फोटोज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर इन शुरू के फोटोज़ को देखें तो यहाँ पर CMF 1.1 में थोड़ी सी शेडो फ्री फोटो नज़र आती है, जबकि C4 Lite में डायनेमिक रेंज उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलती। इसके बाद आगे के इन फोटोज़ में अगर कलर टोन को देखें तो यहाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी CMF 1.1 में थोड़ी से ओवर सैचुरेटेड कलर नज़र आते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, जबकि सेम कंडीशन में C4 Lite बहुत हद तक नेचुरल परफॉर्म करता है। हालांकि C4 Lite में भी आप कलर थोड़े से बूस्ट भी कर सकते हो। डिटेलिंग के मामले में CMF 1.1 मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा C4 Lite से। ओवरऑल अगर ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस को फोटोज़ को कंपेयर करें तो वहाँ मुझे C4 Lite के फोटोज़ ज़्यादातर कंडीशन में CMF 1.1 से बेहतर लगे। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर मेरे बिना कुछ बोले भी आप खुद जज करिए कि आपको इन दोनों में से किस डिवाइस का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो पहला तो कलर टोन मुझे C4 Lite की ज़्यादा बेहतर लगी पोर्ट्रेट मोड में। इसके अलावा स्किन टोन और अगर ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो भी C4 Lite का मुझे CMF 1.1 से ज़्यादा बेहतर लगा। एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी अगर कंपेयर करें तो चेहरे के आसपास, सिर के आसपास मुझे C4 Lite में थोड़ा सा बेटर एज डिटेक्शन देखने को मिला एज कम्पेयर टू CMF 1.1। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो नाइट मोड अप्लाई करने के बाद आपको C4 Lite से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू CMF 1.1। इसके अलावा सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको नॉइज़ भी C4 Lite के फोटोज़ में कम देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड से आने वाली लाइट का एक्सपोजर लेवल भी CE4 Lite में थोड़ा सा बेटर देखने को मिला एज कम्पेयर टू CMF 1.1। फ्रंट कैमरे में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ्रंट कैमरा पसंद आता है, किस डिवाइस की सेल्फी पसंद आती है। अब यहाँ पर भी अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे यहाँ भी C4 Lite का फ्रंट कैमरा बेहतर लगा। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं, वहाँ आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कलर टोन और स्किन टोन की बात करें तो वो C4 Lite की मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। C4 Lite के फ्रंट कैमरे में आपको एक अननेसेसरी रेड टोन शो होती है स्किन टोन में, जो आपके फोटोज़ को काफ़ी बेहतर बनाती है। यहाँ पर आप दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी को कंपेयर कर सकते हो। C4 Lite की सेल्फी मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि आप कैप्चर करने के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि CMF 1.1 उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये है दोनों ही डिवाइसेस के रियर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है फुल HD का वीडियो सैंपल। अब यहाँ पर CMF 1.1 से पहला तो आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दो ये बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर C4 Lite बेहतर है, हालांकि सॉफ्टवेयर बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको CMF 1.1 में भी देखने को मिलेगा, बट C4 Lite आता है OIS सपोर्ट के साथ। इसके अलावा कलर टोन में आपको सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा जो आप ऑटो मोड पर देख चुके हो, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर आपको देखने को मिलते हैं CMF 1.1 के वीडियो में। इसके अलावा अगर इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो एक अननेसेसरी येलो टोन भी आपको CMF 1.1 के वीडियो में शो होगी, यानी कि दोपहर के समय डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप फोटो या वीडियो कैप्चर करते हो तो वाइट बैलेंस का इशू आपको देखने को मिलेगा CMF 1.1 में, और ऐसा कोई इशू आपको C4 Lite में देखने को नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में भी C4 Lite CMF 1.1 से बेहतर है। ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें और कैमरे में अगर आप कन्फ्यूजन है तो C4 Lite यहाँ पर पूरी तरह से CMF 1.1 को बीट करता है।